नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा गंगा रिवर के ऊपर एक और रेल कम रोड ब्रिज को अप्रूवल दे दी गई है और इसे आप कह सकते हैं कि वाराणसी में बनाया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये ब्रिज वाराणसी को चंदौली डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगा और वाराणसी पंडित डीडू जंक्शन रेल रूट पर यह बनकर तैयार होगा। अब इस रेल रूट पर मालवीय ब्रिज बना हुआ है जो कि अराउंड 137 ईयर्स पुराना है, जिसके ऊपर डेक पर दो लाइन्स का रोड है जबकि नीचे दो रेल लाइन्स हैं। और क्योंकि ये रेल और रोड रूट दोनों ही इंपॉर्टेंट है पैसेंजर और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो अभी के समय ओवर सैचुरेट हो चुका है, अपनी 163 कैपेसिटी पर ही ऑपरेट कर रहा है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए नया ब्रिज यहाँ पर अप्रूव किया गया है। इसका अपर डेक रोड्स के लिए होगा, 6 लेन का रोड यहाँ पर बनाया जाएगा, जबकि लोअर डेक रेलवे के लिए होगा और 4 रेल लाइन्स यहाँ पर बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर 2642 करोड़ रुपये इसका खर्च यहाँ पर आने वाला है और एक बार जब ये तैयार हो जाता है तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन तो इम्प्रूव होगी होगी, साथ साथ एनुअली 27.83 मिलियन टन पर एनम की फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दूसरा अपडेट साउथ कोरियन ऑटोमोटिव जायंट ह्युंडई से है, जो तमिलनाडु में उनके कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी और एक्सपांड करने वाले हैं और इसको लेकर उन्होंने प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास में सबमिट कर दी है। दोस्तों ह्युंडई तमिलनाडु में अभी दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को ऑपरेट करता है, उनमें से एक श्री परम्बदूर में है जबकि दूसरा इरुनगट्टू कोटाई में है और यही दूसरे प्लांट को उनके द्वारा भी एक्सपांड किया जाना है। ये एक टाइप का कह सकते हैं कि रिवैम्प और मॉडर्नाइजेशन होगा, जिसके चलते इस प्लांट को 5.4 लाख स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर 7.2 लाख स्क्वायर मीटर तक कर दिया जाएगा। एडिशनल 1.81 लाख स्क्वायर मीटर लैंड यहाँ पर ऐड की जाएगी और अभी उनका कहना है कि इस फैसिलिटी की कार मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एनुअली 8.5 लाख कार्स पर एनम की है, जो इस रिवैम के बाद 1 से 1.5 लाख तक और बढ़ जाएगी। 1500 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर उनके द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे और जैसे ही उनको तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलती है तुरंत वो काम स्टार्ट कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलुरु मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3A को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है और अभी आप कह सकते हैं कि ये अप्रूवल के एक और स्टेप क्लोज पहुंच चुकी है। दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो का फेज 3A कम्प्लीटली एक न्यू मेट्रो लाइन होगी, जिसको रेड लाइन भी कहा जा रहा है। हिब्बल से सरजापुर के बीच में बनकर तैयार होगी, जिसकी लेंथ अराउंड 37 किलोमीटर के आसपास होगी। टोटल 28 स्टेशन भी यहाँ पर बनकर तैयार होंगे, जिसमें से कुछ एलिवेटेड होंगे जबकि कुछ अंडरग्राउंड होंगे। वेटरनरी कॉलेज, बेंगलुरु गोल्फ कोर्स, KR सर्कल, शांतिनगर, डेयरी सर्कल, अगारा, दुमसंद्रा, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है बेंगलुरु की, वो यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। हेबल, अगारा और इवालुरु में ब्लू लाइन से, डेयरी सर्कल पर पिंक लाइन से और KR सर्कल पर ये पर्पल लाइन से कनेक्ट होगी। और जब ये निचले 2-3 साल पहले इसका प्लान यहाँ पर सामने रखा गया था तो उस समय एस्टिमेट किया गया था कि 16,500 करोड़ रुपये इसका खर्च इसके ऊपर आएगा, पर अब ये कॉस्ट बढ़कर 27,000 करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी है और इसी कारण हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इस DPR को रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ही उनकी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, हमारी यूनियन कैबिनेट भी इसको अप्रूव कर देगी। अगली दोस्तों अपडेट अडानी ग्रुप से है, जिन्होंने उनके सेमी कंडक्टर बिजनेस को लेकर भी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है और अभी उन्होंने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसके लिए लाइनअप कर दी है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो अडानी ग्रुप और इजरायली कंपनी टावर सेमी कंडक्टर मिलकर एक सेमी कंडक्टर प्लांट सेटअप करने वाले हैं महाराष्ट्र में, जहाँ पर 84,000 करोड़ रुपीज़ की मैसिव इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इस सेमी कंडक्टर प्लांट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है और नवी मुंबई के पनवेल में बनकर तैयार होना है, जो कि एक सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होगा। दो फेज़ में इसको डिवाइड किया गया है, पहला फेज 58,763 करोड़ रुपीज़ का जबकि दूसरे फेज में 25,000 करोड़ रुपीज़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होगी। अभी अडानी ग्रुप ने उनकी तरफ से 25,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कमिट कर दी है इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत, जो अगले 2-3 सालों के अंदर होगी। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बताया गया कि अडानी ग्रुप एक और इजरायली कंपनी के साथ में, जो कि अगेन एक सेमी कंडक्टर कंपनी है, उनके साथ में बातचीत कर रही है एक जॉइंट वेंचर को लेकर। और अगर यहाँ पर जॉइंट वेंचर फाइनलाइज हो जाता है तो इस $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा उस जॉइंट वेंचर में भी इनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे पोर्ट सेक्टर से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट्स की सरकारें उनकी स्टेट्स में स्मॉल पोर्ट्स को और एक्सपांड करना चाहती हैं और इसको लेकर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने 2 लाख रुपीज का प्लान सबमिट किया है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उन सबको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा हैंडल किया जाता है, जबकि स्मॉल पोर्ट्स को रिस्पेक्टिव स्टेट की मैरिटाइम बोर्ड्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि हमारे देश का आधा कार्गो मेजर पोर्ट्स हैंडल करती हैं और इतना ही कार्गो हमारे जो स्मॉल पोर्ट्स हैं वो भी हैंडल करती हैं। 2047 तक भारत सरकार का प्लान है कि हमारे देश की जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है उसको 4 गुना तक इंक्रीज करके 10,000 मिलियन टन तक कर दिया जाए और उसमें ही कंट्रीब्यूट करने के लिए गुजरात और आंध्र प्रदेश के द्वारा उनकी स्टेट्स के लिए रिस्पेक्टिव प्लान्स बनाए गए हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ के प्रपोजल गुजरात के द्वारा सबमिट किए गए हैं जबकि 50,000 करोड़ रुपीज़ के प्रपोजल आंध्र प्रदेश की तरफ सबमिट किए गए हैं। गुजरात गवर्नमेंट चाहती है कि 2047 तक 2,000 मिलियन टन प्रति की कैपेसिटी सिर्फ वो ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें और उसके लिए वो गुजरात में 10 से ज़्यादा नई पोर्ट्स को डेवलप करने वाले हैं, साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी को एक्सपांड भी करने वाले हैं। सेम टाइप का काम आंध्र प्रदेश में भी किया जाना है। और अभी जो 2 लाख करोड़ रुपीज़ का प्लान इनके द्वारा मिलकर बनाया गया है वो इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री के सामने रख दिया है, देखते हैं कि इसको अप्रूवल मिलती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलुरु से है,
जहाँ पर दोस्तों बेंगलुरु के अर्बन लैंडस्केप को इम्प्रूव करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट बेंगलुरु में एक अर्बन पार्क को डेवलप करेगी और इसको लेकर नॉर्थ बेंगलुरु में लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। दोस्तों आज से कई साल पहले एक समय था जब बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता था उसकी ग्रीन स्पेसेस के कारण, पर अर्बनाइजेशन अभी इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है कि ग्रीन स्पेसेस गायब होती जा रही हैं, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ग्रीनरी जरूरी है। और ये एक बड़ा रीजन है कि अभी बेंगलुरु में इस अर्बन पार्क को डेवलप करने का प्लान सामने रखा गया है। नॉर्थ बेंगलुरु के येलहंका में बनकर तैयार होगा और कर्बन पार्क की तरह इसको डेवलप किया जाएगा। 153 एकड़ लैंड इसके लिए आइडेंटिफाई की गई है जो कि कर्नाटका फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लैंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, होपफुली अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। और ये दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है जहाँ पर दोस्तों अफोर्डेबल ट्रैवल को इम्प्रूव करने के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा 26 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्लान किया गया है और इसको लेकर उन्होंने अलग अलग रेलवे जोन के पास इसकी फिजिबिलिटी को कंडक्ट करने और साथ साथ टाइम टेबल को भी तैयार करने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर जो 26 ट्रेन प्लान की गई हैं मोस्टफुल ये सभी की सभी आपको अप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ का रूट चेंज कर दिया जाए लेकिन ऑपरेट तो सभी होंगी होंगी। अभी हमारे देश में सिर्फ 2 ही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं जिनको पिछले साल दिसंबर के आसपास फ्लैग ऑफ किया गया था और तब से लेकर अब तक देश में कोई और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रोल आउट नहीं किया गया है, जबकि दोनों की दोनों ट्रेन काफी सक्सेसफुल रही हैं। दोस्तों आप में से कुछ डिसएग्री कर सकते हैं लेकिन अभी भी मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रेलवेज की स्लीपर क्लास में ट्रैवल करती है क्योंकि उनके पास में एसी टिकट अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते हैं। तो अगर अमृत भारत जैसी ट्रेन को बड़े स्केल पर चलाया जाता है तो ट्रेन ट्रैवलिंग काफी बेहतर हो सकती है। बात करें 26 ट्रेन के बारे में तो इसमें से 6 ट्रेन सेंट्रल रेलवे को, 2 ट्रेन ईस्ट कोस्ट रेलवे को, 4 ट्रेन ईस्ट सेंट्रल रेलवे को, 3 नॉर्थ ईस्ट रेलवे को, 1 नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे को, 2 नॉर्दर्न रेलवे को, 2 नॉर्थ वेस्ट रेलवे को, 1 ईस्टर्न रेलवे को, 2 सदर्न रेलवे को, 1 वेस्ट सेंट्रल रेलवे को, जबकि 2 ट्रेन ही वेस्टर्न रेलवे को एलोकेट की गई हैं। और अगर रूट्स की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस फोटो पर देख सकते हैं कि कौन कौन से रूट्स पर ट्रेन ऑपरेट होंगी। दोस्तों आज की लास्ट अपडेट नोएडा से है जहाँ पर दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट के पास बहुत ही जल्द एक अपैरल पार्क में बनता हुआ दिखाई देगा क्योंकि नोएडा की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक नए अपैरल पार्क को लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों अपैरल पार्क पिछले 1.5 साल से प्लान किया जा रहा है जो कि नोएडा एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी में बनकर तैयार होगा। सेक्टर 29 इसके लिए चुना गया है और ये ओवरऑल 175 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। कुल मिलाकर 90 प्लॉट्स यहाँ पर तैयार किए जाएंगे जहाँ पर 100 से ज्यादा इंडिविजुअल प्रोडक्शन कम एक्सपोर्ट यूनिट सेटअप की जाएंगी। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग 3500 करोड़ रुपीज की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, सोर्सिंग हब्स, टेस्टिंग लैब्स, डिजाइन स्टूडियोज, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, एग्जीबिशन हॉल्स, इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर सेटअप की जाएंगी इंडस्ट्रीज के लिए। और कुल मिलाकर बताया गया है कि 2.5 सालों के अंदर अंदर ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा जिसके चलते 3 लाख के आसपास जॉब्स और एनुअली 10,000 करोड़ रुपीज के एक्सपोर्ट्स यहाँ से जनरेट हो पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।